हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीकों से बनाया हुआ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है, जो मतलब मैं गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद जिनका ना भी मन होना वो तुरंत फटाफट ये लड्डू बना लेंगे, क्योंकि है ही इतना आसान और वो भी हाफ कप घी में बना हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लेना है ड्राई फ्रूट 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम मखाना और 50 ग्राम पिस्ता, और है 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम खसखस और 100 ग्राम नारियल पाउडर, और 250 ग्राम है यानी कि गुड़ का पाउडर है। आप कोई भी गुड़ हो तो वो ले ले। और इधर बिल्कुल देखिए हाफ कप मैं घी ली हूँ, और हाफ कप घी जब गर्म हो जाए तो उसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट तल के निकाल लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जब घी गर्म हो जाए तो उसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे आप निकाल लीजिए। और बहुत ही कम घी में बना हुआ है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बादाम तल के निकाल ली, उसके बाद मैं काजू और पिस्ता एक साथ डाल करके इसे हम फ्राई कर लेते हैं। बस ये मिनट भी नहीं लगेगा और आपका फ्राई हो जाएगा। और फिर जब काजू पिस्ता फ्राई हो जाए तो किशमिश डालें, और गरम घी में जब आप किशमिश डालेंगे ना तो इस तरह से ये हो जाता है, यानी हल्का सा फूला हुआ जैसा दिखेगा आपको, तो बस वैसे ही निकाल लीजिए। और इधर है, और ये है गोंद, तो गोंद को भी आप गरम गरम घी में इसे आप तल के निकाल लें। इसकी क्वांटिटी फ्रेंड्स बिल्कुल 2 टेबल स्पून में ली हूँ, आपकी इच्छा हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और इस बचे हुए घी में मुझे लगता है 2 चम्मच ही घी है बचा है, इसमें मैं सारे मखाना डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। और ये हमें ड्राई फ्रूट्स को ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, इस लड्डू में यही खासियत है कि इसे ठंडा नहीं करना है, ड्राई फ्रूट्स गर्म ही रहे। तो सब डाल करके इसे मिक्सी के जार में एक बार घुमा लें। देखिए ये दरदरा है, और इसमें अब मैं डाल देती हूँ किशमिश। किशमिश के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं डाल देती हूँ जो गोंद में तल करके रखी हूँ उसे डाल देती हूँ, और उसे एक बार चला देते हैं। जब ये चल जाए तो उसमें गुड़ पाउडर डालना है, और साथ में गुड़ पाउडर के साथ ही आप नारियल पाउडर डाल दीजिए। और ये मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये शुद्ध गुड़ है, तो इस तरह आपके पास जो भी गुड़ है उसका तो बना ही सकते, पर अगर ये गुड़ आपको मार्केट में मिलता है तो ये ज़रूर ले, बहुत अच्छा होता है, प्योर शुद्ध है। और फिर कोकोनट डाल करके भी आप इसे एक बार मिक्सी में चला लें, और इसे आप एक बड़े बर्तन में निकाल लें। और 1 टी स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इलायची पाउडर डालने के बाद इसे आप मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो हल्का जब हाथ में टच हो रहा है तो गुनगुना सा लग रहा है, यानी कि ये ठंडा नहीं हुआ है। और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी लड्डू बांध लीजिए। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही कम घी में और बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं बना रही हूँ, इस तरह से सारे लड्डू मैं बना लेती हूँ। लड्डू के साइज़ को छोटे बड़े अपने हिसाब से रख लीजिए। अब इतने सारे लड्डू तो मैं बना ली, और मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि लड्डू बन गया है, मगर कुछ इसका मटेरियल बच गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल बचा है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, क्योंकि इसमें घी की मात्रा कम है और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो जिसके कारण से इसे बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मगर अगर जिनकी मतलब बोलते हैं ना, अगर बांधना चाहें तो बंध भी जाएगा, मगर इसे ईजी करना है हमें, तो चाहें तो आप इसमें गर्म गर्म घी डाल दें तो जिसे लड्डू अच्छे से बन जाएगा। अगर आपको घी कम डालना हो तो इसे आप गैस पे बिल्कुल चढ़ा दें। तो आप देख सकते हैं गैस पे मैं चढ़ाई हूँ, और इसे हल्के मतलब हाथ से भी मैं टच कर रही हूँ तो कढ़ाई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं हाथ से कढ़ाई भी छू रही हूँ तो उतना गर्म नहीं लग रहा है, यानी कि बिल्कुल हल्का गर्म करना है। और इसे फिर अच्छे से आप लड्डू बांधिएगा, देखिए ये बंध जाता है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए लड्डू बन रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखा रही हूँ कि कढ़ाई का हैंडल पकड़ी हूँ तो आप पकड़ सकते हैं, तो इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म मत कर दीजिएगा। तो बस ये हल्का गुनगुना हो जाए, फिर इसे आप जितने भी लड्डू बचे हैं उसे आप बांध लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो हेल्दी और टेस्टी और इजी लड्डू तैयार हो गया फ्रेंड्स। आप लोग को कैसा लगा आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स ये लड्डू जब पूरा बन जाए तो इसे एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए, और महीनों दिन तक ये चलेगा।
और गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स कि अगर एक बार बना के रख ले और इसे कम से कम 15 दिन तक सेवन करें तो आपका जो भी जोड़ों का दर्द और सर्दी खांसी का जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।